पूरे भारत में मुख्य गुरुद्वारों की संख्या 300 से अधिक है। सिख गुरु जहां भी गए उस जगह पर आज के समय में गुरुद्वारा है जहां हर धर्म के लोग जाते हैं। हर गुरुद्वारे की अपनी कहानी है जो बृहद और ऐतिहासिक है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे गुरुद्वारे से परिचित कराएंगे जहां के पवित्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य को शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन सिंह जी से जुड़े इस गुरुद्वारे के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल अंबाला से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव पंजोखरा की आबादी करीब 8,000 है, लेकिन यहां हर महीने लाखों लोग आते हैं। यह गांव न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए श्रद्धा का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसी गांव को सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन सिंह जी का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ था, जिसके बाद ऐसे चमत्कार हुए कि यह स्थान फेमस हो गया। गुरु हरकिशन सिंह जी का जन्म 1713 में कीरतपुर साहिब पंजाब में हुआ था। गुरु जी को जन्म से ही गुरुओं की पवित्र वाणी से प्रेम था और उनके इसी प्रेम के कारण सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय जी ने 1718 में यानी मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्हें गुरुगद्दी सौंप दी थी। गुरु जी के दर्शन करने वाले लोगों को न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती थी बल्कि उनके चरण स्पर्श से कुछ ही क्षणों में पुराने से पुराने रोग भी दूर हो जाते थे। गुरु हरकिशन सिंह जी के बारे में इस तरह की चर्चा सुनने के उपरांत मुगल शासक औरंगजेब ने भी इनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि न तो वह औरंगजेब को दर्शन देंगे और न ही कभी किसी तरह से उससे संबंध रखेंगे। गुरु हरकिशन सिंह जी को लेकर एक कहानी काफी प्रचलित है। दरअसल सिख धर्म के अनुयायी माने जाने वाले राजा जय सिंह ने अपने दूत के माध्यम से गुरुजी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। गुरुजी ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। कीरतपुर से दिल्ली के रास्ते में वो पंजोखरा गांव में रुके। उनकी यहां आने की खबर सुनते ही पंजोखरा और उसके आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए एकत्रित हो गए। उनके दर्शन मात्र से लोगों की परेशानियों का निवारण होने लगा था और जो लोग शारीरिक कष्ट से जूझ रहे थे गुरुजी ने उन्हें निकट ही स्थित तालाब में स्नान करने को कहा। आज भी यह पवित्र सरोवर के रूप में गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बिल्कुल समीप स्थित है। पंजोखरा गांव के ही एक पंडित को जब यह बात पता चली तो उन्होंने गुरु हरकिशन सिंह जी को गुरु मानने से ही इनकार कर दिया। उनका यह कहना था कि इतनी छोटी अवस्था में एक बालक को गुरु की उपाधि कैसे दी जा सकती। उस पंडित ने यह शर्त रखी कि यदि गुरु हरकिशन सिंह जी यदि गीता के श्लोकों के अर्थ कर दें तो मैं उनको गुरु मानने के लिए तैयार हूं। इसी लालसा में पंडित जी भगवद गीता लेकर गुरु जी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने गुरु जी के सामने अपनी इच्छा बताई। इस पर गुरु जी ने कहा कि आप अपने गांव से किसी भी व्यक्ति को मेरे पास ले आओ, वह व्यक्ति गीता के श्लोकों का अर्थ कर देगा। पंडित जी का मन इतने से भी नहीं भरा। उन्होंने झीवर जाति से संबंध रखने वाले एक मूक बधिर व्यक्ति छज्जू को गुरु जी के सामने पेश कर दिया। उसे भरोसा था कि यह तो मूक बधिर है, न तो यह सुन पाएगा और न ही कुछ बता पाएगा, लेकिन उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। दरअसल गुरुजी ने छज्जू को उसी पवित्र सरोवर में स्नान कराया और उसके सिर पर अपनी छड़ी रखकर पंडित जी से गीता के किसी भी श्लोक का उच्चारण करने को कहा। पंडित जी ने जैसे ही गीता के श्लोक का उच्चारण किया, जन्म से गूंगे बहरे छज्जू ने बिना किसी देरी के गीता के श्लोक के अर्थ कर दिए। पूरी भीड़ आश्चर्यचकित हो गई, लोग देखते ही रह गए। खुद पंडित जी भी गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। आज भी गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बारे में कहा जाता है कि श्रद्धा और प्रेम भाव से पवित्र सरोवर में स्नान करके गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने से गूंगे व बहरे व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाते हैं। इसके उपरांत गुरु जी ने उस स्थान पर निशान साहिब स्थापित किया और वहां लंगर चलाने के आदेश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से लगातार पंच रविवार को गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और उसे सदा के लिए शारीरिक रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके बाद गुरुजी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। गुरुजी ने पंजोखरा में जिस स्थान पर आसन ग्रहण किया था उसी स्थान पर आज एक भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारे के साथ ही पवित्र सरोवर, लंगर हॉल और भव्य दीवान हॉल का निर्माण किया गया है। देश विदेश के लोग अक्सर यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस गुरुद्वारे की खूबसूरती और शुद्धता ही इसे खास बनाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में जाने और प्रार्थना करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही हर बीमारी दूर हो जाती है। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों की हर प्रार्थना पूरी हो जाती है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा का लंगर हर दिन 50,000 लोगों को अपनी सेवा प्रदान करता है। त्योहारों के मौके पर यहाँ लोगों की संख्या अक्सर 1,00,000 हो जाती है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बावजूद गुरुद्वारे में कभी भी स्वच्छता और गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता।
लोग यहाँ प्रार्थना करने के साथ साथ यहाँ के स्वादिष्ट लंगर का लुत्फ भी उठाते हैं। यहाँ साल भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।